हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वासुस पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। सो आइए दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं। हमारे पास है काली दाल, थोड़े से राजमा, जीरा, दो छोटे कटे प्याज, दो बड़े टमाटर जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं, हल्दी, लाल कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसके लिए काफी जरूरी है बिकॉज उसमें थोड़ा कलर आता है उससे। देसी घी, नमक और हरी मिर्ची 3-4। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल। हम लेंगे प्रेशर कुकर। आज हम ऑयल नहीं यूज करेंगे बिल्कुल भी। आज हम यूज करेंगे देसी घी, ठीक है। तो पहले ये जो दाल है, काली दाल जो हमने 6 घंटा भिगो के रखी थी, थोड़ा नमक मैंने भिगोने पे ही डाल दिया था। ये गई दाल प्रेशर कुकर में। इसके पानी समेत, पानी फेंकना नहीं है, इसके पानी में काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं। सो लोग जो है मतलब फिर पानी फेंक देते हैं और दाल जो है वो ले लेते हैं, पानी फेंकना नहीं है। सो ये राजमा को भी हमने अलग से भिगो दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़े से राजमा 1 कटोरी और दाल हमने ली है 2 कटोरी। ये हमने दोनों भिगो दिए थे, ये 6 घंटे से भिगो के हैं, इनको थोड़ा हिला लेते हैं। कड़छी मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कड़छी यूज अगर करते हैं तो फिर ये गलते नहीं, आधे गलते हैं आधे नहीं गलते हैं। गैस मैंने तेज आंच पे कर दी है। अब हम इसको 3 विसल्स तक प्रेशर कुक कर लेते हैं, फिर हम इसको निकाल देंगे। गैस 3 सीटियां हो गई है प्रेशर कुकर की, हम लोगों ने ये बंद कर दिया है। सीटियां ना निकाले, इसको दम पे ही रखें। साथ के साथ हम एक पैन में इसका मसाला बना लेते हैं, तड़का बोले मसाला बोले कुछ भी बोले। और हम लोग ले लेते हैं करीब करीब 2 चम्मच देसी घी, और इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आज नो ऑयल जोन पे हैं हम लोग। देसी घी पूरा मेल्ट हो गया है, इसको सिम पे कर देते हैं। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच जीरा, और ये हेयर गोज द हरी मिर्ची काट के बीच में से बस, और ज्यादा उसको कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ 4 हरी मिर्चियां ली हैं और ये देखिए फ्लटर कर रही है हमारी हरी मिर्चियां। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, ये देखिए गया प्याज। प्याज को भून लेते हैं थोड़ा सा, ये गैस को मैं तेज कर देती हूँ। थोड़ा नमक डालें इसमें, लगभग आधा चम्मच, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी दाल को और राजमा को भिगोने के टाइम पे भी डाला, तो ये आधा चम्मच ही मैंने डाला है अभी, बाद में हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए प्याज को भूनने देते हैं। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए एकदम, ज्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, लाइट ब्राउन करने हैं। घी की मस्त खुशबू आ रही है, थोड़ी आंच धीमी कर लें आप। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की, टमाटर की प्यूरी। ये चली गई है टमाटर की प्यूरी। आज मैंने कद्दूकस नहीं किया है, आज मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, ग्राइंड की है। ये देखिए अब इसके साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। ज्यादा हल्दी नहीं डालनी है, नहीं तो वो येलो कलर आ जाएगा पूरी दाल में। हमको रेस्टोरेंट वाली लाल लाल चाहिए, एकदम गाढ़ी और लाल दाल। अब पका लेते हैं टमाटर। ये देखिए पक रहे हैं हमारे टमाटर, आंच को धीमी ना रखे, 2-3 मिनट के लिए टमाटर को पकने दें। अब इसको हम 3 मिनट के लिए ढक देते हैं टमाटर अच्छे से पकने के।
गाइस 3 मिनट हो गए हैं, ये देखिए घी जो है हल्का हल्का यहाँ से निकल के आ रहा है, ये देखिए। तो टमाटर जो है आज हमने धीमी नहीं करी थी, तेज ही रखी थी। टमाटर पक रहे हैं, ये देखिए घी आ रहा है साइड से। अब हम इसमें इसको सिम कर लेते हैं, गैस धीमी कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर जो हमने लगभग ली थी 2.5 चम्मच। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए कलर जो है एकदम रेड रेड हो गया है, यू कैन सी। लाल कश्मीरी लाल मिर्च का यही फायदा है, कलर जो है बहुत ही बढ़िया देती है। मतलब शक्ल से ही ऐसा लगता है कि कुछ खा ले बंदा इसको पूरी तरीके से, क्या करें। कश्मीरी सेब, कश्मीरी लाल मिर्च, यही तो है सब कमाल कश्मीरी का। ये देखिए अब इसको थोड़ी सी आंच में तेज कर देती हूँ, अच्छे से जो है मिर्ची भुन जाएगी। अब इसमें लगभग 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया, ये जो मसाला है। अब इसको ढक के रखते हैं 3 मिनट के लिए, इसको पकने दीजिए। गैस की आंच जो है वो धीमी करें, तब तक जो है हमारे दाल का भी देखते हैं। अभी तक प्रेशर उसका निकला नहीं है, इसका प्रेशर निकालना नहीं है, दम से जब अपने आप निकल जाएगा तभी इसका प्रेशर जो है वो निकाल। ये देखिए दाल का जो प्रेशर है पूरी तरीके से निकल गया है दम, ये देखिए। इसको मैं अब लकड़ी की कड़छी से हिलाऊंगी, बिकॉज स्टील की कड़छी से हिलाते हैं हम तो फिर दाल अच्छे से। हाँ ये पता चला कि हमने जो है दाल अच्छे से गल गई है। हाँ ये अच्छे से हो गई है। लेट्स सी राजमा, राजमा अच्छे से हुए कि नहीं, राजमा भी हो गए हैं। अब इसको जो है ये साइड में रख लेते हैं और तब तक हमारा मसाला देखते हैं। ये देखिए 3 मिनट हो गए थे इसको, वाह ये देखो ये हुई ना बात। ये देसी घी की खुशबू, और इसको अभी बंद कर लेते हैं। अब एक ट्रिक है इसमें, थोड़ी सी जो दाल है अब हम थोड़ा सा ये ब्लैक दाल को ये इस बिना पानी के, पानी उसी में रख दीजिए, ये ग्राइंडर में ले लेते हैं। थोड़ा राजमा कम और दाल ज्यादा, ये मैं क्यों ले रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी खानी, थोड़ी ज्यादा नहीं, मतलब मैंने 2.5 कड़छी भर निकाली है ग्राइंडर में। इसको साइड में रख देती हूँ मैं। यहां इस दाल को तब तक हम लोग, ये जो है हमारी, इसके अंदर डाल देते हैं हमारे मसाले के अंदर। ये गई दाल, गैस ऑन कर लीजिए, मिक्सअप हो जाएगा ये तब तक, ठीक है। ये देखिए मैं सारा निकाल देती हूँ ये दाल। वेट, अरे बाबा थोड़ा टाइम तो लगता है ना ये निकालने में, कमाल है भाई। एक दाल का दाना नहीं रहने दूंगी मेरा प्रेशर कुकर, ये मेरी फेवरेट फेवरेट दाल है, फेवरेट। ये देखिए इसको मिक्स कर देते हैं, आंच थोड़ी धीमी कर लेते हैं, बिकॉज ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी रहती है, सो इसमें ज्यादा पानी जो है ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए ये आया इसमें कलर, और इसको ऐसे ही रख देते हैं। इसको भी इसमें से डिप कर लेते हैं,
इसमें जो लाल मिर्ची का मसाला लगा था वो भी चला जाएगा, ठीक है। इसको ढक के रख लीजिए, तब तक हम यहां से जो मैजिक ट्रिक है वो प्रिपेयर करते हैं। दाल हमने रख दी है ढक के, और गैस की आंच जो है वो धीमी कर ली है। और ये जो मैजिक ट्रिक है, आप सोच रहे होंगे क्या मैजिक ट्रिक है, क्या दिखा रही है, ये तो रेस्टोरेंट स्टाइल तो बनी नहीं करके। वही मैजिक ट्रिक है, कैसे बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल, दैट इज द मैजिक ट्रिक। अब जो हमने ग्राइंडर में ली थी दाल, ये किया बंद इसका ढक्कन। मैजिक तो यही है, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। आप सोच रहे होंगे दाल क्यों ग्राइंड हो रही है, ऐसे तो कोई करता नहीं है, दाल भी कोई ग्राइंड करता है क्या, तड़का लगता है उसमें, ग्राइंड तो कोई करता नहीं है। बट यही है मैजिक बिटवा, कम ऑन, आई विल शो यू नाउ, यू सी द हेयर इज द मैजिक। ये देखिए दाल हमारी रेड रेड एकदम हो गई है। अब इसमें जब मैजिक पड़ जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा। ये एक ट्रिक है, मैजिक भी नहीं बोल सकते, एक ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको। और हाँ, मैजिक हो जाता जब ये ट्रिक जो है हम काम कर जाती है, तब इसको हो जाता है मैजिक। धीमी आंच पे ही रखी थी हमने, ये जो हमने ग्राइंड की है दाल, काली दाल ये हमने डाल दी है इसके साथ। अब इसका देखिए, ये डाल दी गई है पूरी ग्राइंड की हुई दाल। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए इसका टेक्सचर बदल रहा है, ये देखो भाई लोगों और बहन लोगों, टेक्सचर इसका बदल रहा है। मिक्स करते रहे इसको, बिकॉज मैं भी मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो वो नीचे से लग जाएगी क्योंकि दाल एकदम गाढ़ी है। ये देखो टेक्सचर, टेक्सचर चेंजिंग, सी सी द टेक्सचर इज चेंजिंग, बिकॉज हमने वो जो ग्राइंड की हुई दाल डाली थी, टेक्सचर उससे बदल रहा है। अभी भी मिक्स नहीं हुई है, ये देखिए, यू कैन सी द ग्रे ग्रे, ये यहाँ पे ग्रे ग्रे है, इसका मतलब वो मिक्स नहीं हुआ है, हमने जो मिक्सचर डाला है इसके अंदर। अरे वाह यार, इसको खाने का मजा ही कुछ और है, पता है। वेरी सिंपल, जो भी आपके घर में है, काली दाल रहेगी, थोड़े राजमा रहेंगे, उसी से आप ये बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये रेस्टोरेंट जैसी गाढ़ी हो गई है, टेक्सचर इसका जो है बिल्कुल अलग आ गया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल के जैसा, जस्ट सी। सो ये जो मैजिक हमने डाला है दाल में, इसका जो है टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। ये जो दाल में हमने मैजिक डाला है, इससे टेक्सचर भी क्रीमी आता है और आपको जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। आप जैसे ही मुंह में दाल डालेंगे ना, एकदम घुल जाएगी। और इसका तड़का आज हमने जो देसी घी में दिया है, दैट इज प्रॉपर पंजाबी स्टाइल दाल मखनी देसी तड़का। सो दिस इज द दाल मखनी। अब हमने इसको बॉईल करने के लिए जो रखा था, पूरा मैजिक डालने के बाद, और अब देखिए इसका जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूदी स्मूदी आया है। नाउ यू कैन सी सी द टेक्सचर। इसको बंद कर देते हैं गैस को और ढक्कन देके रख लेते हैं। ये ट्रिक यूज करके दाल मखनी को एंजॉय कीजिए, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये ट्रिक वाली और मैजिक वाली दाल मखनी। और ये दाल मखनी हो गई है रेडी, हम इसको सर्व कर रहे हैं विद जीरा राइस। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ और पराठे के साथ, फुलके के साथ, जिसके साथ भी आपका मन करे उसके साथ खा सकते हैं आप। तो मैं करूंगी ये दाल मखनी एंजॉय, आप प्लीज इसको बनाएं, ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है। सब्सक्राइब करें मुझे, लाइक करें, मेरे रेसिपीज आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें।
ट्रिक को यूज करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये ट्रिक यूजफुल थी कि नहीं, और इससे आपको जो मैं बताया है कि क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत ही क्रीमी हम लोगों को ये लगता है व्हेन वी ईट इट, तो फिर मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी।